हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. हाउ यू? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल. जरा एक बार बता दीजिए, आवाज वगैरह क्लियर आ रही है कि नहीं? एक बार जरा जल्दी से बता दीजिए, आवाज वगैरह क्लियर आ रही है कि नहीं, ताकि आज का सेशन को स्टार्ट किया जाए. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. चलिए, तो स्वागत है आप सभी का एग्जाम बोर्ड टीचिंग स्कूल पे, जहां पे आपकी आगामी परीक्षा सीटेट की करवाई जा रही है तैयारी. साथ ही साथ आपकी जल्द ही केवीएस की जो आपकी ईवीएस है, ठीक है, वो कैसे पढ़ी जाए, किस तरह से पढ़ी जाए, उसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर, ठीक है, आपको जो सिलेबस दिया गया है केवीएस पीआरटी का, ठीक है, जो उन्होंने लिख दिया है वो सीटेट का लिख दिया है. 6 थीमें लिख दी है. वर्क वी मेक एंड डू थिंग सॉरी वर्क वी डू थिंग्स वी मेक एंड ट्रेवल वॉटर फूड. भाई वो सिलेबस नहीं है, वो केवल नाम मात्र का सिलेबस होता है. दिमाग में घुसेड़ लो ये बात. बहुत सारे लोग चिल्लाएंगे चीखेंगे, इन्हीं में से आएगा, उनमें से कच्छू नहीं आएगा. ठीक है, तुम अगर ये सोच के जी रहे हो कि अब केवीएस वाला तुमसे ये पूछेगा कि कौन सा जानवर ऊपर सबसे ऊंचा घोंसला बनाता है, सीटेट का था, जान दो इसे. ठीक है, बट बहुत सारे लोग तुम्हें क्वेश्चन भी वही कराएंगे, ये मैं लिख के दे रहा हूं आज. ठीक है, और पेपर देख लेना, ठीक है, जब भी आएगा. ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता केवीएस में. ठीक है, आज कैसे याद आए गुरुजी, आज कैसे याद आए? पीजीटी का कोर्स तुम क्या करोगे उमा शुक्ला, व्हेन यू हैव ऑलरेडी टेकन द कोर्स ऑफ यूपी टीजीटी एंड पीजीटी, तो उससे ज्यादा थोड़ी केवीएस में पढ़ोगे. केवीएस में 12th बेसिक का है पूरा. सर कल कहां थे? मजे मार रहे थे, मस्ती मार रहे थे, छुट्टी मार रहे थे, मन नहीं था पढ़ाने का. जैसे कभी कभार तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं होता, वैसे मेरा पढ़ाने का मन नहीं था. हाँ, जनरल पेपर तुम ले सकती हो भले, ठीक है, बट पीजीटी का क्या करोगी? तो एक बार सारे के सारे लोग, ठीक है, क्लास को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि आज का सेशन स्टार्ट किया जा सके. ठीक है, तो क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि आज का सेशन स्टार्ट किया जा सके, है ना? तो लास्ट टाइम पे हमने खेजड़ली के बारे में पढ़ रहे थे, खेजड़ी के पेड़ के बारे में पढ़ रहे थे. ठीक है, और हमने जो आखिरी क्वेश्चन किया था वो ये किया था कि आपका इनमें से कौन से कथन खेजड़ी के बारे में सही नहीं है. ठीक है, तो इसमें 3 सही कथन थे, बाकी का 1 गलत कथन था, और जो 3 सही कथन थे वही आंसर था इसका. मेनली फाउंड इन डेजर्ट एरिया सही था. ठीक है, ग्रोज विदाउट मच वाटर ये भी सही था. ठीक है, शेडी ट्री है, बच्चे खेलते हैं इसकी छांव में, ये भी सही था. वाटर स्ट्रोक करता है ट्रंक, ये गलत था. ये किस पेड़ के लिए है? कौन से पेड़ के लिए है स्टेटमेंट? किस पेड़ के लिए ये स्टेटमेंट? कौन से पेड़ के लिए था ये स्टेटमेंट? रेवड़ी के बारे में पढ़ेंगे, खेजड़ी के बारे में नहीं पढ़ेंगे. वीडियो लग रहा है सर बीच बीच में. ठीक है, तो वेरी गुड. तो ये स्टेटमेंट आपका किसके लिए था? डेजर्ट ओक के लिए था. और डेजर्ट ओक आपका कहाँ उगता है? ऑस्ट्रेलिया में उगता है, यहाँ नहीं उगता. ये ऑस्ट्रेलियन स्पीशीज है. ठीक है, तो 3 सही थे, तो ए बी सी इसका सही था, तो ए इसका सही जवाब था. अगला क्वेश्चन, ठीक है, कौन से प्लांट की, ठीक है, कौन से प्लांट की, ठीक है, जो लकड़ी है इनको कीड़े प्रभावित नहीं करते? मैंगो, सिंकोना, चिंचोना, खेजड़ी या बबूल? कौन से प्लांट की लकड़ियों को कीड़े प्रभावित नहीं करते? कौन से प्लांट की लकड़ियों को कीड़े प्रभावित नहीं करते? तो वो कौन सा प्लांट है जिसकी लकड़ियों को कीड़े प्रभावित नहीं करेंगे? वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ठीक है, खेजड़ी. ठीक है, हमने पढ़ा था कि इसकी लकड़ियों को कीड़े नहीं लगते हैं. ठीक है, इसकी छाल की दवाई बनाई जाती है. ठीक है, इसकी जो फल होता है उसकी सब्जी बनाई जाती है, इसकी पत्तियों का चारा बनता है, फॉडर बनता है, तो पूरा प्लांट आपका यूजफुल है. ठीक है, अगर ऑप्शन में खेजड़ी ना हो तो, अगर ऑप्शन में खेजड़ी ना हो तो ऐसा और कौन सा आपका
आसपास मिलने वाला पेड़ है जिसकी लकड़ी को कीड़े नहीं लगते। अगर ऑप्शन में खेजड़ी ना हो तो ऐसा कौन सा पेड़ है आपके आसपास में जिसकी लकड़ी को कीड़े नहीं लगते, बताओ। वेरी गुड। अगर ऑप्शन में खेजड़ी ना हो तो ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी लकड़ी को कीड़े नहीं लगते, ठीक है, दैट इज नीम। नीम विल बी द राइट आंसर देन, ठीक है। और नीम की पत्तियों को हम अनाज में भी यूज करते दवाई की तरह, ठीक है। नेबरिंग स्टेट ऑफ राजस्थान, पंजाब, जम्मू, दिल्ली, गुजरात, यूपी, एमपी, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, असम, बिहार, यूपी, बताइए। राजस्थान के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? राजस्थान के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? 31 का बी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखो लॉजिक लगाओगे, ठीक है, जम्मू ऊपर चला जाएगा, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, दिल्ली है, पंजाब बाउंड्री टच नहीं करती बट निकटवर्ती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज हरियाणा हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, बट उत्तराखंड उस साइड चला जाएगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। असम तो उधर ही है, पॉसिबल नहीं है। बचा कौन सा? गुजरात, ठीक है, तो गुजरात विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये रहा आपका राजस्थान का नक्शा, निकटवर्ती राज्य है पंजाब, ठीक है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है। तो ये पांच राज्य हरियाणा के, मतलब राजस्थान के पास के, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज अगला चैप्टर, ठीक है, अनीता एंडरबी। तो ये आपकी एक लड़की है जिसका नाम है अनीता कुशवाहा, ये आपके मुजफ्फरपुर नगर बोचाहा गांव की रहने वाली है। अगर आपसे कोई पूछे अनीता ने किसको चाहा, तो बो को चाहा, ठीक है, तो बोचाहा गांव की थी, बोचाओ गांव होता है। ये एक गर्ल स्टार है। गर्ल स्टार क्या होता है भैया? गर्ल स्टार एक प्रोजेक्ट है भारतीय गवर्नमेंट का, जिसके तहत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल सुनाई जाती है, कहानियां बताई जाती है उन लड़कियों की जिन्होंने गरीब होते हुए भी शिक्षा के क्षेत्र में अपने नाम को, मतलब समाज में अपना नाम बनाया शिक्षा के बल पे। तो एक तरह से एजुकेशनल प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि एजुकेशन को बढ़ावा देता है कि लड़की होके भी इन्होंने ये कर दिखाया जो अच्छे अच्छे लड़के नहीं कर पाए। हालांकि आज के टाइम पे लड़का लड़की सब बराबर है, बट ये कहने की बात है, ठीक है, कईयों पर लड़कों को दबा दिया जाता है, कई जगहों पर लड़कियों को दबा दिया जाता है, ठीक है। तो दैट इज गर्ल स्टार। तो अगर कोई पूछे गर्ल स्टार कौन है, या तो आपको इनका नाम ढूंढना है, या फिर दूसरा नाम आप क्या ढूंढोगे, सूर्यमणि भगत। आपकी एनसीईआरटी में दो गर्ल स्टार के बारे में बताया गया है, ठीक है, एक सूर्यमणि भगत और एक आपकी अनीता कुशवा, ठीक है, इतना क्लियर है? सर कल क्लास ली थी क्या? नहीं, ना ना, नेवर। मधुमक्खी पालन, यह अनीता देवी बिश्नोई, अनीता देवी बिश्नोई नहीं है, अनीता कुशवा है। कहां तुम अमृता देवी और अनीता देवी को एक साथ मिला दो, तुम गजब कर रहे हो। वो अमृता देवी बिश्नोई थी, ये अनीता कुशवा है, अनीता देवी बिश्नोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, तो बेसिकली कहानी कुछ ऐसी है कि ये पढ़ना चाहती थी तो स्कूल चली जाती थी, तो स्कूल चली जाती थी तो बैठ के आपकी स्कूल में सारी की सारी देखने, परम मित्र, परम मित्र, तुम परम मित्र ही ढूंढते रहो, ठीक है। एग्जाम एग्जाम भाड़ में गया, परम मित्र को ढूंढो अपने, ठीक है, हर चैनल पे चल जाके चिल्लाओ, हमारा परम मित्र कहाँ है, परम मित्र कहाँ है, परम मित्र कहाँ है, ठीक है। तो बेसिकली कहानी कुछ ऐसी है कि स्कूल में, ठीक है, जाती थी स्कूल में, जाके बैठ जाती थी, हर क्लास के बाहर बैठ जाती थी, वही रेंचो वाली कहानी, ठीक है, क्योंकि शिक्षा तो कहीं से भी मिले, चाहे 6 से मिले, चाहे 7 से मिले, चाहे 8 से मिले। एक दिन टीचर की नजर पड़ गई, ठीक है, स्कूल के बाद ये गए इनके घर वालों से मिलने, घर वाले ने बोला अल्लाह खाने को नहीं है, पैसा नहीं है, क्या खिलाएंगे। तब इन्हें बताया कि भाई एक एमडीएम मिड डे मील प्रोग्राम नाम होता है, ठीक है, जो कि आजकल पीएम पोषण योजना के नाम से चल रहा है। सबसे पहले किस राज्य ने चालू करी थी, जिसका केंद्रीयकरण 2001 में हो गया था, जिसका सेंट्रलाइजेशन 2001 में हो गया था, ठीक है। तो पीएम पोषण योजना सबसे पहले किस राज्य ने चालू करी थी? कल ईवीएस की क्लास क्यों नहीं हुई? हमारी मर्जी भाई, कभी कभार तुम्हारा मन नहीं होता पढ़ने का, कभी कभार हमारा पढ़ाने का मन नहीं होता, तो कल हमारा पढ़ाने का मन नहीं था इसलिए नहीं पढ़ाए, वेरी गुड, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, सबसे पहले आपका, ठीक है, इसका चलाने वाला जो राज्य था वो था तमिलनाडु, ठीक है, और इसका केंद्रीयकरण 2001 में हो गया। फिर बोला कि चलो ठीक है भैया, खाने को मिल जाएगा, पढ़ाएंगे कहीं से, पैसा नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने बताया किसके बारे में, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, आरटीई, ठीक है।
तो ये आरटीई ठीक है आपके 86वें संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 21A के तहत ठीक है 8 से 14 क्लास के सॉरी 8 से 14 साल तक के बच्चे को आपका मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, है ना। तो ये आपका किसने बताया, इसने बताया। तो इन्होंने एजुकेशन कंप्लीट करी, ठीक है एजुकेशन कंप्लीट कर ली, उसके बाद कॉलेज में एंट्री लेनी थी बट फीस थी नहीं, तो उस टाइम पे ये क्या कोचिंग पढ़ाया करती थी। तो काफी बार इनको धमकी वगैरह भी मिली, ठीक है वहां के लोग लड़के लोग धमकी देते थे, ए छोरी है तू, छोरी ना छोरी है तू, घर के काम किया कर, चटका डालेंगे, कोचिंग नहीं चलने देंगे, तेरी क्या जानती हमारे बारे में। तो धमकियां भी मिली बट धमकियों से डरी वरी नहीं, आगे अपना चलाती रही, ठीक है। तो उस टाइम इन्हें एक प्रोग्राम के बारे में पता लगा, दैट इज बी कीपिंग, जैसे आप क्या बोलते हो एपीकल्चर, ठीक है मधुमक्खी पालन, कहाँ जा रही हो तुम, ठीक है तो क्या बोलते हैं मधुमक्खी पालन बोलते, ठीक है तो एपीकल्चर को क्या बोलते हैं मधुमक्खी पालन बोलते हैं, ठीक है तो मधुमक्खी पालन के बारे में बताया, ठीक है और बताया इनको पता लगा कि मधुमक्खी पालने का सबसे बढ़िया समय कौन सा होता है। आरटी ईयर बताइए 2002। अब तुम कहोगे सर हमने तो वहां पढ़ा था उस चैनल पे 2009 बताया था, तो बेटा वो राइट टू कंपलसरी एजुकेशन था जो कंपलसरी हो गया था, ठीक है पहले 2002 था, 2002 में आया था 86वें संशोधन के तहत 86 अमेंडमेंट के तहत, ठीक है तो इसको केवल राइट टू एजुकेशन बोलते थे, बट जो 2009 वाला जो तुम पढ़ते हो राइट टू कंपलसरी एजुकेशन पूरा उसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो जितने भी मास्टरों से तुम लोग पढ़ के आए हो 2009, उनसे बोला करो पहले 2002 की कहानी बता दे। सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर होता है तुम्हारा वो रेशम कीट का पालन, ठीक है तो वेरी गुड। तो इनको पता लगा मधुमक्खी पालने का सबसे बढ़िया टाइम क्या होता है, अक्टूबर से दिसंबर, प्लस इनके आपके लीची के फूल खिला करते थे, तो लीची के फूल जब खिला करते थे वो कब खिला करते थे सर, थोड़ा सा साइड, अरे मेरे लाल वहां तुम्हें कुछ नहीं दिखने वाला, इतना ब्लर है वो, ठीक है कहानी सुनो, कहानी सुना रहा हूं, अभी क्वेश्चन कराएंगे ना तो सारे क्वेश्चन बनेंगे। अभी दीपक सर यहां नहीं पढ़ाते अब बेटा, ठीक है तो आपका लीची के फूल खिला करते थे, लीची के फूल कब खिला करते थे, ठीक है फरवरी में। तो इन्होंने क्या किया, जो कोचिंग पढ़ाई थी उससे क्या मिला इनको, 5,000 रुपया मिला, 5,000 कितना रुपया मिला 5,000, ठीक है जैसे तुमने वो देखा होगा ना 150 रुपया देगा, इनको 5,000 रुपया दिया, तो 5,000 में से इन्होंने 2,000 के क्या खरीदे, ठीक है बक्से खरीदे जिसमें मधुमक्खी रखी जाए, बचा जो 1,000 रुपया था उसका इन्होंने दवाई खरीदी छत्ते को साफ करने की, प्लस शक्कर वक्कर खरीदा मधुमक्खियों के लिए घोल बनाने के लिए, ठीक है तो घोल बनाने के लिए इन्होंने आपका 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और दवाई के लिए इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है फिर इन्होंने चालू करी मधुमक्खी पालन। इनिशियल में इन्हें ठीक है इनिशियल में इनके पास क्या 2 बक्से थे, धीरे धीरे बक्सों की तादाद बढ़ती गई, ठीक है जो उस टाइम पे इनके 1 किलो शहद की कीमत थी जब ये कहानी लिखी गई होगी वो 35.67 रुपए, मतलब 35 रुपए का 1 किलो शहद मिलता था। आज इनके पास बहुत बड़ा फार्म है, ठीक है आज ये बहुत बड़ा फार्म ओन करती है, ठीक है तो साथ ही साथ में इन्होंने अपने गांव में, ठीक है कहाँ पे गांव कहाँ था, मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर में बेसिकली एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है इन सारी चीजों के बारे में बताया, ठीक है क्लियर है, इतना क्लियर है। सर केवीएस पीआरटी में टोटल मार्क किसके फिल करने हैं, बीएड के या ग्रेजुएशन के, ग्रेजुएशन मेरे लाल, ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी है वहां पर, सब्जेक्ट वगैरह सब ग्रेजुएशन का डालना है, बीएड के सारे सब्जेक्ट नहीं डाल पाओगे इतनी जगह नहीं है वहां पे। चलो तो बेसिकली ठीक है तो इनके पास शुरुआत में 2 बक्से थे, फिर इनके पास 4 बक्से हो गए, फिर 20 बक्से हो गए आज के टाइम में, ठीक है बेसिकली और इनको क्या बोलते हैं पूरा का पूरा फार्म हो गया इनके पास, ठीक है हर बक्से से इन्हें 12 किलो शहद मिलता था, ये भी याद रखे कॉज जो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें से 3 करेक्ट एक सही होता है या फिर 3 सही 1 गलत होता है, ये पूछ लिया जा सकता है कि ये लाइन बनाई जा सकती है, उन्हें 1 बक्से से 20 किलो शहद मिलता था, नहीं उन्हें 1 बक्से से 12 किलोग्राम शहद मिलता था, ठीक है क्लियर है क्लियर है। मुजफ्फरपुर बिहार, बिहार बिहार क्लियर है,
1 kg 450 या 500 में मिलता। अरे भैया बहुत पुरानी कहानी है, 35 रुपया का थोगा उस टाइम पे, महंगाई बढ़ी ना। पहले समोसा 2 रुपये का आता था, आज समोसा 10 रुपये का आया, महंगाई बढ़ी ना। ठीक है, बड़ी नहीं है, इधर उधर हो गई है। पहले मोबाइल के रिचार्ज 250 रुपया के होते थे, आजकल मोबाइल का रिचार्ज 30 रुपया में हो जाता है। इधर उधर हो गई, शिफ्ट हो गई महंगाई। बेटा सुपर टेट प्रतिज्ञा बैच ठीक तो हो गया, असाइन भी कर दिया पंचदेव प्रसाद पांडे। ठीक है, सुपर टेट प्रतिज्ञा बैच वालों को उनकी क्लासेस जो कौन थी आपका क्या नाम है, अरे यार क्या है वो, कौन सा है, सफलता की क्लासेस असाइन कर दी। और क्या करे बताओ, जान चीर के दे दे तुम्हें। ठीक है, बस उस क्लासेस के अंदर पीडीएफ और लगवानी है, तो सारी पीडीएफ इकट्ठा कर रहा हूं, जैसे जैसे मिल जाएंगी सारी लग जाएंगी। सर नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता आप क्लास का, भाई नो आइडिया। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। जीत चहर 119 होता 3 मंथ का मतलब, समझ में नहीं आया 119 3 मंथ का मतलब। ऐप पर नोटिफिकेशन आता है? नहीं, ऐप पर नोटिफिकेशन क्यों आएगा, यूट्यूब की क्लास। चलो नेक्स्ट थिंग इज आगे की कहानी। आगे की कहानी में ये बताया गया कि आपकी जो मधुमक्खियों की कॉलोनी होती है, ठीक है, मधुमक्खियों की कॉलोनी जो होती है उसमें आपके 3 तरीके के मेंबर्स देखने को मिलती है। ठीक है, एक होती है रानी मक्खी, ठीक है, एक होते हैं आपके वर्कर कर्मचारी, ये सारी की सारी कौन होती है, मादाएं होती है, और एक होता है ड्रोन। ठीक है, ड्रोन आपके सारे के सारे कौन होते हैं, नर मक्खी होते हैं। ठीक है, मादा मक्खी का केवल एक काम होता है अंडे देना। ठीक है, कर्मचारी जो है, ठीक है, वर्कर बीज जो है वो आपका शहद को इकट्ठा करती है, शहद लाती मतलब फूल के रस को इकट्ठा करती है, शहद बनाती है, छत्ता बनाती है, रानी की सुरक्षा, ठीक है, सबको खाना खिलाना, छत्ते की सुरक्षा, ठीक है, सारे चीज करना इन्हीं का ही काम होता है। ठीक है, वर्कर बीज के बारे में बताया कि कछु नहीं करते, आराम से ऐसे बैठ के फीफा का फुटबॉल का मैच देख रहे होते। ये मेसी बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत बढ़िया खेल रहा है, आगे जाके बहुत पेले के बराबर पेलेगा ये। ठीक है, रोनाल्डो भी ठीक है, बट मेसी बहुत बढ़िया खेल रहा है, देखो देखो गेम देखो। तो ऐसा बताया गया कि इनके बारे में ये कछु काम नहीं करते। ठीक है, फिर ऐसी सेम कॉलोनी आपको चींटी, दीमक और ततैया में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऐसी सेम कॉलोनी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, चींटी, दीमक और ततैया में। ठीक है, जब आपका ततैया चींटी या दीमक, सॉरी ततैया चींटी या मधुमक्खी काटती है, तो ये आपके अंदर एक एसिड इंजेक्ट कर देती है। इस एसिड को आप बोलते हो SCOOH। ठीक है, SCOOH इसका रासायनिक फॉर्मूला है, नॉर्मली इसका नाम होता है मीथेनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल, मीथेनोइक अथवा या फिर मीथेनोइक नहीं मिलेगा तो ऑप्शन में मिलेगा क्या, फॉर्मिक अम्ल, एक ही के नाम है, अलग अलग नहीं है ये चीजें। ठीक है, तो मीथेनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल आपके पास क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। सिस वर्कर है हम लोग, निकम्मे ना बोलो, नहीं, मेल्स वर्कर नहीं होते, मेल्स हमेशा रिप्रोडक्शन का काम करते, प्रजनन के लिए काम आते, और किस कोई काम नहीं है मेल का। ठीक है, बाकी एक बार छत्ते से मेल निकल गया तो उसकी मौत निश्चित है, वो जिंदा नहीं रह पाए। चलो नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, आपका इन मधुमक्खियों का वैज्ञानिक नाम होता है एपिस इंडिका, भारतीय जो रहती है इनका वैज्ञानिक नाम क्या, एपिस इंडिका। ठीक है, एपिस जीनस है, इंडिका स्पीशीज है। चलिए नेक्स्ट थिंग इज, और कुछ है इसमें बताने लायक, हाँ शहद के बारे में। शहद के अंदर 70% शकरा होती है, 70% कार्बोहाइड्रेट होती है, इस 70% में 38% आपकी फ्रक्टोज शुगर होती है, फ्रक्टोज आपकी दुनिया की सबसे मीठी शकरा होती है, और आपका 32% ग्लूकोज होती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे शहद की मुख्य शकरा कौन सी है, तो आप बताओगे शहद की मुख्य शकरा फ्रक्टोज शुगर होती है। ठीक है, शहद की मुख्य शकरा फ्रक्टोज शुगर होती है। गुरु जी हमारे पास में उस तरह
से है, क्लासेस चल नहीं रही है, ठीक करवा दीजिए। सही तो कर दी। योग सर की क्लासेस कब से होंगे बेटा? योग सर की मदर एक्सपायर कर गई है, ठीक है, अभी परसों ही उनकी मदर एक्सपायर कर गई है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कैंसर। तो ऐसी कंडीशन में तो वो क्लास लेंगे नहीं, ठीक है, बताया भी था आप लोगों को। क्लियर है? चलो नेक्स्ट थिंग इज अगला क्वेश्चन। तो इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनते, तो बताइए बिहार में, ठीक है, आपका मधुमक्खी पालन का टाइम कौन सा समय होता है? बिहार में मधुमक्खी पालन का टाइम किस समय होता है? हमारे ऐप में उसी तरह से चल रही। अरे मेरे लाल, तुमको भी एक नया सा दिख गया होगा, देखो ढंग से सफलता बैच दिख रहा होगा। चलो तो डी विल बी द राइट आंसर, वेरी गुड। अक्टूबर से दिसंबर में आपका मधुमक्खी पालन किया जाता है बिहार में। चलिए तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? जनवरी से मार्च मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। शहद के फूल है, हनी बट शहद के फूल नहीं, मधुमक्खी लीची के फूलों से, मधुमक्खी लीची के फूलों की ओर आकर्षित होती है, मधुमक्खियों को रखने के लिए है। बॉक्सेस आर नीडेड फॉर कीपिंग बीज एंड स्टोरिंग हनी प्रोड्यूस बाय देम, ठीक है, मधुमक्खियों को रखने और उनके द्वारा उत्पादित शहद को संग्रहित करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। अरे भैया क्या हिंदी कर रहे हो, सुहागरात के लिए शरबत बनाने की चीनी खरीदी जाती है, बहुत बढ़िया। शुगर आर परचेज टू मेक सिरप फॉर हनी बी, ठीक है, मधुमक्खियों के शहद के लिए, मधुमक्खियों के शहद के लिए शरबत बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो कौन कौन से आपके, ठीक है, स्टेटमेंट इसमें से सही है? ठीक है, सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट और फोर्थ सही है, सेकंड थर्ड फोर्थ सही है, या फिर फर्स्ट और सेकंड सही है? बताओ। सी, ठीक है, हनी बी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड लीची फ्लावर, सही है, बॉक्सेस चाहिए होते हैं, ये भी सही है, शुगर परचेस किया जाता है, ये भी सही है, बट बेस्ट टाइम आपका ये है, ये गलत है। तो सी विल बी द राइट आंसर, सी इसका सही जवाब है। इनमें से कौन सा आपका कीड़ा, इनमें से आपका कौन सा कीड़ा, ठीक है, कॉलोनी में नहीं रहता, जस्ट लाइक हनी बी, तो हनी बी की तरह, मधुमक्खियों की तरह, कौन सा कीड़ा आपका नहीं रहता ग्रुप बना के, ठीक है, समूह बना के? एंट्स, चींटियां, टर्माइट, दीमक, स्पाइडर, मकड़ियां या ततैया, वेस्प। हाँ ये क्वेश्चन एप्लीकेशन की क्लास में भी कराए थे, बिल्कुल कराए थे, रिवीजन चल रहा है तुम्हारा। तो वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी, स्पाइडर्स आपकी अकेले रहना प्रेफरेंस करती हैं, ठीक है, ये समूह बना के नहीं रहती है, ठीक है। इनमें से आपका, ठीक है, चींटियों के अलावा कौन से कीट शहद, मधु शहद की तरह नहीं, मधुमक्खियों की तरह, मधुमक्खियों की तरह रहते हैं और एक साथ काम करते हैं? ततैया, दीमक, तिलचट्टे, दीमक, ततैया और घास फूस नहीं, टिड्डे, अलग ही नशा करके कर रहे, तिलचट्टे और टिड्डे, बताइए। सर नीचे की पट्टी हटाइए, वही कोई है नहीं, कैसे हटवा दूं, वो नीचे की पट्टी से का करना तुम्हें, क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन से तो ऊपर ही है। 34th का ए, चलिए वेरी गुड, तो ए विल बी द राइट आंसर, टर्माइट्स एंड द वेस्प, ठीक है, टर्माइट्स एंड द वेस्प, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, ये बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट विच टेल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स हु हैव चेंज्ड देयर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल, उस परियोजना का नाम क्या है जो सामान्य लड़कियों की असाधारण कहानियों को बताती है जिन्होंने स्कूल जाकर अपना जीवन बदल दिया? सेव द गर्ल चाइल्ड, बालिका बचाओ, गर्ल पावर, लड़की शाइन, ठीक है, या लड़की सितारे, बताइए उस परियोजना का नाम क्या है, कौन सा है भारतीय गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट?
ठीक है, तो 35 का आंसर विल बी डी, वेरी गुड, गर्ल स्टार, चमकते सितारे, ठीक है, लड़की सितारे या चमकते सितारे। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ ईच बॉक्स फॉर बी कीपिंग, क्या था, क्या प्राइस था एक बॉक्स से का, 2000, 5000, 4000, 3000, 2000, 5000, 4000, 3000, एक बक्से का प्राइस क्या था? ठीक है, तो एक बक्से का प्राइस क्या था? 2000 रुपए, ठीक है, 5000 नहीं था, 5000 तो कुल कमाई ही थे। चलिए, रियरिंग ऑफ हनी बी इज कॉल्ड सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, एक्वाकल्चर, एपिकल्चर, ठीक है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो वेरी गुड, मधुमक्खी पालन को हम क्या बोलते हैं, एपिकल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, ठीक है, मछली पालन, ठीक है, समुद्री जीव पालन, ठीक है, इनको ये सारी चीज बोला जाता है, बाकी मधुमक्खी पालन को हम एपिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, किस संशोधन, किस संविधान के किस संशोधन के तहत आया था, 86वां, ठीक है, संशोधन 2002, 86वां संशोधन 2004, 86वां संशोधन 2009, 86वां संशोधन 2012। बीएड के टोटल मार्क्स फिल कर दिए, अब क्या करूं, अब सब्जेक्ट डालो, अब क्या करोगी, सब्जेक्ट भरो उसमें, चलिए, वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ठीक है, 86वां संशोधन 2002, ठीक है, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 21A, ठीक है, 8 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ठीक है, क्लियर, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए। नेक्स्ट थिंग इज आपका, कौन सा स्टेट ने सबसे पहले मिड डे मील प्रोग्राम लॉन्च किया था, राजस्थान, हरियाणा, बिहार या फिर नन ऑफ दीस, ठीक है, कौन से स्टेट ने सबसे पहले, ठीक है, मिड डे मील प्रोग्राम लॉन्च किया था, आरटी तो 2009 था, देखो हम कहे थे, अभी हम थोड़ी देर पहले समझाए थे कि जिनसे पढ़ के आए हो ना 2009 आरटी के बारे में, उनसे पहले चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल दिया करो कि सर आरटी की हिस्ट्री बता दो पहले, है ना, बहुत लोग पढ़ा रहे तुमको, हमको ये भी पता है कि तुमने, है ना, कहां से पढ़ा होगा, और हमको ये भी पता है कि ये कहां किन किन लोगों ने पढ़ाया होगा, चिल्ला चिल्ला के आरटी आए तो 2009 ही लगाना, तो बेटा वो आरटी जो 2009 आया है वो राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन है, जो एनसीईआरटी में बात करी गई है वो 86वां संशोधन है, ठीक है, 2002 का, जो कि केवल था आरटीई, राइट टू एजुकेशन, कंपलसरी नाम का वर्ड नहीं था उसमें। चलो, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर है, दैट इज डी, डी विल बी द राइट आंसर, डी इसका सही जवाब है। आप ही तो बताए थे, हम आज तक आरटीई के बारे में बता ही नहीं है, क्योंकि हमारे ये सेक्शन है ही नहीं, ये सीडीपी वाले लोग चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के पढ़ा रहे होते हैं तुम्हें, ठीक है, और अपन को सीडीपी से कोई मतलब नहीं है। चलो, एसिड प्रेजेंट इन बी स्टिंग इज फॉर्मिक एसिड, मीथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड या बोथ ए एंड बी, नहीं दिख रहा, दया करो भैया, यार हमने तो बोला था सबने के लिए कर दिया, तो सबके लिए कर दिया, हमको तो यही बताया गया, नहीं दिख रहा वो हम कल पूछेंगे। चलिए, तो वेरी गुड, तो इसका नाम क्या है, वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी, ठीक है, तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट थिंग इज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन हनी इज 30%, 50%, 70%, 90%, किने कितने प्रतिशत आपकी शुगर प्रेजेंट होती है, ठीक है, कितने प्रतिशत आपकी शहद में, ठीक है, आपकी शुगर प्रेजेंट होती है, अपीरिंग वाले नहीं है अलाउड अभी,
नहीं है अलाउड बेटा, नहीं है। चलो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, टोटल अमाउंट ऑफ शुगर 70% होती है, जिसमें से 38% आपका क्या होती है फ्रक्टोज है, 32% आपका ग्लूकोज है। साइंटिफिक नेम ऑफ हनी बी, हनी बी का आपका वैज्ञानिक नाम क्या है, हनी बी का मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? 41 का सी, अच्छा 41 का सी, 42 बी, वेरी गुड। ठीक है, बॉम्बिक्स मोरा है, ये आपका सिल्क वॉर्म का वैज्ञानिक नाम है, सिल्क वॉर्म रेशम के कीड़े का। ये ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, ये आपका जो फल के ऊपर मक्खी बैठती है, फ्रूट फ्लाई का वैज्ञानिक नाम है। प्रेरी प्लैनेटा अमेरिकाना, ये आपका कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ये आपका कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम है, बाकी हनी बी का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, हनी बी का वैज्ञानिक नाम आपका क्या है, दैट इज एपिस इंडिका। अच्छा, इनमें से कौन सी चीज इंसेक्ट नहीं है, इनमें से कौन सी चीज कीड़ों में नहीं आती, विच वन ऑफ देम फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट। ठीक है, विच वन ऑफ देम फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट, कीट नहीं है, इनमें से कौन सी चीज इंसेक्ट में नहीं आती, कौन सी चीज कीड़े नहीं है। बीएड के टोटल मार्क्स फिल कर दिया आपने, बोला है एप्लीकेशन पे, मैंने कब बोला है एप्लीकेशन पे, नालायक। ठीक है, तो इनमें से कौन सी चीज, ठीक है, कीड़े नहीं है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी बहुत बढ़िया, ठीक है, शाबाश। सर मेरा मोबाइल मर रहा है, जिंदा करो उसे, दो थप्पड़ मारो, पानी फेंको उसके ऊपर, जल्दी बताओ कौन सी चीज इंसेक्ट नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, आंसर इज नन, ऑल आर इंसेक्ट, सभी कीड़े। ठीक है, थोड़ा बुद्धि लगा लो। चलो नेक्स्ट थिंग इज फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन का पता करिए। वर्कर बीज हेल्प इन मेकिंग द बी हाइव, मधुमक्खी के छत्ते को बनाने में श्रमिक मधुमक्खियां मदद करती है। रानी मी मक्खी अंडे देती है, ठीक है, रानी मक्खी अंडे देती है, ठीक है, रानी मक्खी अंडे देती है। वर्कर बी स्टराइल फीमेल होती है, बांझ मादाएं होती है, और पुरुष अमृत को इकट्ठा करने के लिए उपयोग करते हैं। फिर क्यों पूछा, देख रहे थे बुद्धि कितनी यूज करते हो, जब रेशम कीट बोल रहे हो, जब रेशम कीट बोल रहे हो तो कीट का मतलब तो कीड़ा होता है, कौन सी दुनिया में जीते हो, हमको पता था आधे से ज्यादा लोग यही लगाएंगे, क्योंकि पढ़ा रहे रेशम कीट के बारे में, तो यही नहीं है। कोई दिक्कत होगी मार्क्स, अरे भैया ग्रेजुएशन के मार्क्स डालने हैं यार, और सब्जेक्ट भी ग्रेजुएशन के भरने हैं। चलिए वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी। ठीक है, डी इसका क्या है, गलत जवाब है, अभी आपको बताया था मेल कोई काम नहीं करता, इसका केवल यूज रिप्रोडक्शन के टाइम पे होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे होता है, बाकी इसका कोई काम नहीं होता, तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट थिंग इज नेबरिंग स्टेट ऑफ बिहार, यूपी मिजोरम छत्तीसगढ़, यूपी झारखंड बंगाल, यूपी दिल्ली, यूपी राजस्थान और गुजरात, नेबरिंग स्टेट कौन से, वेरी गुड। देखो मिजोरम पॉसिबल नहीं है, सेवन सिस्टर्स में, यूपी है पॉसिबल बट दिल्ली नहीं है, ठीक है, यूपी राजस्थान पॉसिबल नहीं है, बचा कौन सा, यूपी झारखंड बंगाल, ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला कहानी है हुतुतु, हुतुतु बेसिकली कहानी है कबड्डी के बारे में, ठीक है, कबड्डी में बेसिकली आपका, ठीक है, इसको हम साउथ इंडिया में हुतुतु बोलते हैं, ठीक है, दक्षिण भारत में
खुद तू, ठीक है, हा डू डू, हा डू डू बांग्लादेश में, चू किट किट पूर्वी भारत में, और चेड़ू गुड़ू, ठीक है, चेड़ू गुड़ू आपका तमिलनाडु में। आप लोग कबड्डी कबड्डी बोलते हुए आते होंगे, अगर आप तमिल में होते और तेलुगु बोल रहे होते, तमिल में कौन सी भाषा यूज होती है, तेलुगु, और अगर आप तेलुगु बोल रहे होते तो जब कबड्डी का दांव देने जाते तो आप कर रहे होते चेड़ुगुड़ू 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 चेड़ुगुड़ू, जैसे कबड्डी कबड्डी होता है, ठीक है, तो बोलते 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 वो कबड्डी नहीं रह जाता, वो रहता है कड़ी कड़ 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 कड़ी नहीं है, कबड्डी होता है, ठीक है, वैसी बात चेड़ुगुड़ होता है, ठीक है। बांग्लादेश में हाडूडू, ठीक है, चू किट किट पूर्वी भारत में, और दक्षिण भारत में हुतुतु बोलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में तीन लेडी है, ज्वाला, लीला, हीरा, ये तीनों आपकी मुंबई की है, और ये मयंकर बहने के नामों से फेमस है, ठीक है। इन्होंने 1955 में दादर में विश्व क्रांति क्रीड़ा मंडल चालू किया, और ये विश्व क्रांति क्रीड़ा मंडल जो था, दिल्ली के बॉर्डर से यूपी लगता है, बिल्कुल लगता, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये किससे संबंधित है, कौन से गेम से संबंधित है, ये आपका कबड्डी की बहुत फेमस खिलाड़ियां रही है। कबड्डी 7 खिलाड़ियों के बीच में खेले जाने वाला खेल है। इसमें कैसे आउट होते हैं आप सभी को पता है, अगर वहां पे जाके दूसरी पाली में जाके आपकी सांस टूट जाए, ठीक है, तो आप आउट हो जाओगे, ठीक है। अगर आप बेसिकली, ठीक है, टच करके बाउंड्री लाइन पे वापस नहीं पहुंच पाए तो आप आउट हो जाओगे, ठीक है। और अगर आप रेडर्स पॉइंट नहीं ले पाए तो आप आउट हो जाओगे, या रेडर पॉइंट तो खैर इंटरनेशनल में होता है, ठीक है, या फिर अगर आपके, ठीक है, बेसिकली किसी को छू के अपनी पारी में आ गए तो वो वाला बंदा आउट हो जाएगा, ये सब एनसीईआरटी में बताया गया, ठीक है। 7 खिलाड़ियों का गेम। इसके अलावा, ठीक है, आपका इस चैप्टर में बेसिकली बताया गया है किसके बारे में, ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, ठीक है। ये बेसिकली आपकी वेट लिफ्टर है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पिताजी आपके किसमें थे, पिताजी कॉन्स्टेबल थे पुलिस में, ठीक है, और इनको मिला के, ठीक है, इनको मिला के टोटल 4 बहने हैं, और बाकी जो 3 बहने हैं इनकी, वो भी आपकी क्या करती है, ठीक है, वेट लिफ्टिंग करती है, ठीक है। जब आपका 2000 में ओलंपिक हुआ था सिडनी में, सिडनी का ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ठीक है, कांस्य पदक जीता था, और अभी तक इनके पास 29 मेडल्स है इंटरनेशनल, ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय बेसिकली जो है, ठीक है, स्पर्धा है, उनमें अभी तक इनके पास 29 मेडल है। बेसिकली 12 साल की थी तब से आपकी वेट लिफ्टिंग कर रही है, और 130 किलो तक ये वजन उठा सकती है। तो कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली थी, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली थी, इनको मिला के 4 महीने, ठीक है, तो वेरी गुड। कर्णम मल्लेश्वरी कहां की रहने वाली थी, आंध्र प्रदेश की, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट थिंग इज ज्वाला, लीला और हीरा, जो कि माइंकर बहनों के नाम से प्रसिद्ध है, कौन से खेल से संबंधित रखती है, खो खो, कबड्डी, टेनिस, बास्केटबॉल। गुरु जी तब हमें कैसे मिलेगा, अरे तो मेरे को तो पूछने दे कि सबको मिला है, नहीं मिला है, क्या हुआ है, तुम्हें कैसे मिलेगा, हम कैसे बता दे अभी। चलिए, वेरी गुड, ठीक है, तो किससे संबंधित रखती थी, कबड्डी से संबंधित रखती थी। नेक्स्ट थिंग इज कितने खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के खेल में, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द गेम्स ऑफ कबड्डी, 6, 7, 8, 9, कितने खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के खेल में, कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, वेरी गुड, तो 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के खेल में। नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, इनमें से कौन सा कथन कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, ठीक है, सही है, तो एक इसमें से गलत होगा। शी इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम, अंतरराष्ट्रीय ख्याति की भारोत्तोलक है, कर्णम
कर्नाटका से थी, ठीक है, बहुत सारे रिकॉर्ड है, 130 किलो तक उठा लेती है, 12 साल के आपका ये उठा रही है क्या वजन। तो इनमें से एक स्टेटमेंट गलत हो गया, कौन सा स्टेटमेंट गलत है भाई, कौन सा स्टेटमेंट गलत है और कौन से सही है, जल्दी बताओ। ठीक है, मतलब ए सही है, वेरी गुड, सी सही है और डी सही है, गलत कौन सा हो गया, बी गलत हो गया, ए सी डी किसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ए विल बी द राइट आंसर, वेरी गुड, बी गलत हो गया, बाकी की तीनों सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट थिंग इज, 2000 का ओलंपिक कौन से शहर में हुआ था, मेलबोर्न, एम्स्टरडम, सिडनी, ऑस्ट्रिया। 2000 का ओलंपिक कौन से शहर में हुआ था, मेलबोर्न, एम्स्टरडम, सिडनी, ऑस्ट्रिया। हाय हाय, आशिक आ गया, मोनिका मेरी जान कैसी हो, क्या बात है, पापा तो खुश हो गए होंगे, लड़का आशिक ही कर रहा है आजकल हमारी। शर्म तो ना आती नहीं है, कसम खा रखी है, हम काय को शर्मा है, ठीक है, क्योंकि हमने एक डायलॉग सुन लिया है, जाने करी शर्म बाके फूटे करम, है ना। ठीक है, तो उन मम्मी पापा से पूछना कि हमको आज तक पढ़ाया काय को, ठीक है, हमको बचपन से यही सिखाते, और मोनिका मेरी जान और राधा मेरी जान, क्योंकि काय को पढ़ाया, काय को डिग्री दिलवाई, यही दिलवाते, जान खानदान, अपने बारे में नहीं ख्याल है, तो उन मम्मी पापा की सोच लो, 2 मिनट के लिए बैठना, एनालिसिस करना कि क्या मैं अपने मम्मी पापा के लिए यही छोड़ के जाऊंगा कि हमारा नाम कॉलोनी में प्रसिद्ध हो, कि इनका लेटा लड़का ऐसे करता है, और मोनिका मेरी जान कैसी हो, तुम लोगों की मालूम है किस्मत इतनी अच्छी है कि ऑनलाइन में सामने होते ना चीर के सुखा देते, हर चश्मे वाला गांधी नहीं होता। चलो, कर्णम मल्लेश्वरी बॉर्न ब्रॉन्ज मेडल इन विच स्पोर्ट, डिस्क थ्रो, कबड्डी, वेट लिफ्टिंग, आर्चरी। कर्णम चलो, तो वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी वेट लिफ्टिंग, तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट थिंग इज, वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर 1985 में, देखो ये क्वेश्चन बन सकता है इस बार, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर आपका नेशनल पार्क भी है, 1985 में ऐसे, और साइलेंट वैली जो कि आपका केरल में, दोनों को नेशनल पार्क बनाया गया 1985, याद रख लेना, ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, ठीक है, और आपका इस चैप्टर में बेसिकली फूलों के बहुत सारे यूज बताए गए कि कहीं पे आपका कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है, ठीक है, यूपी में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी बनाई जाती है, कईयों जगह शेफालिका की चटनी बनाई जाती है, जीनिया के फूल कईयों जगह रंग में यूज होते हैं, बाकी फूलों के कईयों सारे यूज बताए गए, इन्हीं फूलों के शुद्ध अर्क को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, शुद्ध अर्क को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं शुद्ध अर्क को, इत्र बोलते हैं, और इत्र की भूमि आपके भारत में बोली जाती है, कन्नौज, अगर कोई हो कन्नौज से तो मेरे घर पे भुजवा देना इत्र, ठीक है, मैं तुम्हें दुआएं दूंगा सीट हेड निकालने की, ठीक है, सर गुस्सा भी करता, अबे देखे कहां हो वे, सबसे बड़ी दिक्कत यह है तुमने हमारे एक ही रूप देखा है बेटा, आम मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आदमी, राजपूत है ना भाई, ठीक है, वो अपना राजपूत वाला साइड दबा के रखे हैं क्योंकि पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो चश्मा लगा लिए हैं क्योंकि आंखें कमजोर है, बट तुम एक चीज सुने होगे राजपूतों के बारे में कि खून तो उनका हमेशा खोला हुआ रहता है, तो खोला हुआ रहता है क्योंकि हम एजुकेशन फील्ड में इसलिए दबाए रखे हैं, वरना ऐसे जो लोग आते हैं ना, और क्या कर रही हो और सब, ऐसे हमारे यहाँ टांग दिए जाते उल्टे, ठीक है, तो बेसिकली इत्र की भूमि आपकी फेमस है, कौन सी, कन्नौज, कन्नौज आपकी यूपी की है, ठीक है, भारत की इत्र की राजधानी बोली जाती है, बट वर्ल्ड में ग्रासे नाम की एक जगह है जो कि फ्रांस में है, जो कि आपकी बेस बोली जाती है क्या, ठीक है, इत्र की राजधानी। चलिए, नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, अब इस चैप्टर में इस बार आपका एक क्वेश्चन आया था कि भाई वो बना के बताओ क्या बोलते हैं,
गुलाब जल। तो गुलाब जल बनाने के लिए सपोज करो आपको 100 ml गुलाब जल बनाना है, 100 ml, तो 50 ml ले लेना क्या ग्लिसरीन और 50 ml ले लेना क्या, ठीक है, का लोगे गुलाब जल लोगे और का लोगे, मुंह थोड़ी लोगे, थूक थोड़ी डाल दोगे उसके अंदर कि 50 ml थूक मिला दे, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें 3-4 ड्रॉप डाल देना किसकी, लेमन की, ठीक है, 3-4 बूंद डाल देना नींबू के रस की, ठीक है, छोड़ देना, तैयार हो जाएगा गुलाब जल। ये गुलाब जल आपकी त्वचा को किससे बचाएगा, ठीक है, रूखा होने से बचाएगा, त्वचा को फटने से बचाएगा सर्दियों में, तो दैट इज द यूज ऑफ गुलाब जल, है ना, क्लियर है। क्लियर है, इतना क्लियर है सभी को। चलो तो इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, अच्छा इस चैप्टर में एक बहुत फेमस पेंटिंग के बारे में बताया गया है, मधुबनी। मधुबनी आपका एक जिला है, ठीक है, कहाँ का, बिहार का, ठीक है। मधुबनी को ही इस बार बन सकता है, इस बार क्वेश्चन ये बन सकता है, मधुबनी को ही आप, मधुबनी चित्र शैली को ही आप मिथिला चित्र शैली भी बोलते हो। कोई अगर पूछ ले मिथिला चित्र शैली कौन सी है, तो जय मत करने लगना, जयता हुआ मस्त ने बताया नहीं है, ओ मैया। मिथिला नरेश सुने होगे, मिथिला नरेश धृतर, वो काय में कौन सा वो देखते हो तुम लोग, जो भी देखते हो, ठीक है, तो उसमें मिथिला कहाँ है, बिहार में है, तो इसी चित्र शैली को आप मिथिला चित्र शैली बोलते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली बिहार का एक जिला है, और यहाँ पे एक त्योहार में, किसी की शादी में, किसी ओकेशन पे, पर्व पे, आपका दीवारों पे रंगोली के फॉर्म पे, ठीक है, आपका बनाई जाती है क्या, मधुबनी पेंटिंग्स, ठीक है। इस मधुबनी पेंटिंग्स में देवी देवता, आदमी, इंसान, पेड़, पत्र, पौधे, ठीक है, गैया, भैया, छैया, और चल छैया 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 छैया, है ना, तो ये सारी चीज आपकी इंक्लूड कर ली जाती है, ठीक है। इसको बनाने के लिए हम सारा नेचुरल कलर यूज करते हैं, चावल के पेस्ट में ये कलर मिलाए जाते हैं। इन कलरों में हल्दी से हम पीला रंग लेते हैं, ठीक है, नील से हम नीला रंग देते हैं, और अन्य जो रंग है वो अन्य फ्लावर से लेते हैं, ठीक है। ये है आपकी मधुबनी, बट इस बार आपको कुछ और पेंटिंग भी पूछी गई है, ठीक है, तो लेट मी टेल यू कौन कौन सी पेंटिंग पूछी गई है, तो इन्हें आप याद कर ले, ठीक है। तो इस बार कौन कौन सी पेंटिंग पूछी गई है, ठीक है, सबसे पहले कलमकारी कौन सी जगह की है, जल्दी बताओ, पढ़ा चुका हूं, क्वेश्चन भी करा चुका हूं, कलमकारी कहां की है, कलमकारी कहां की है, जल्दी बताओ, कलमकारी कहां की है, एक पेंटिंग कितने की आएगी, हमारे अब्बा थोड़ी बनाते हैं बैठ के, ये जो पेंटिंग कितने की आएगी, हम तुम्हें दाम भी पता करके बताएं, गूगल पे सर्च कर लो कितने की आएगी, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, वहां का जीआई है फेमस, वेरी गुड। कलमकारी आपकी तेलंगाना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ब्लॉक पेंटिंग कहाँ की है, ब्लॉक, ब्लॉक पेंटिंग, ब्लॉक पेंटिंग कहां की है, ठीक है, ब्लॉक पेंटिंग कहां की है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, जी पता नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। तो याद रखना ब्लॉक पेंटिंग को ही कलमकारी बोला जाता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज फड़, फड़, मैं सारी पेंटिंग को नाम लिख रहा हूं जो पूछी गई है, वर्ली, वर्ली जनजाति भी है, वर्ली पेंटिंग भी होती है, जो कि गोबर से बनाई जाती है, गोबर और मिट्टी से, ठीक है, ये क्वेश्चन आया इस बार, ठीक है। देन आपका फ्लोर, फ्लोर, ठीक है, देन आपका पट्ट, पट्ट, ठीक है, देन आपका नाग गुम्फान, नाग गुम्फान, ठीक है, और फूलकारी, फूलकारी, चिकनकारी,
चिकनकारी, बड़ी ठनी, बड़ी ठनी, ठीक है। तो ये पेंटिंग्स पूछी गई है, वेरी गुड। चलो तो देखो, फड़ कहां की है, फड़ कहां की है आपकी, राजस्थान की है, कहां गया, राजस्थान की। वर्ली कहां की है, महाराष्ट्र की। फ्लोर पेंटिंग यूपी, पट उड़ीसा, देन नाग गुम्फान, ठीक है, गुजरात, सौराष्ट्र, और दक्षिण भारत। फुलकारी पंजाब, चिकनकारी यूपी, बड़ी ठनी राजस्थान, ठीक है। तो ये सारी पेंटिंग है, स्क्रीनशॉट ले लेना। चिकन की कुर्ती, हाँ चिकनकारी कुर्ती वगैरह, लास्ट वाला न्यू है, बनी ठनी, क्यों पढ़ाए तो थे, फोटो भी दिखाए थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट थिंग इज, तो वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, कौन से पार्ट में है वैली ऑफ फ्लावर, हाँ लखनऊ में फेमस है चिकनकारी, वेरी गुड वेरी गुड। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी उत्तराखंड। कौन सी सन में ऐसे नेशनल पार्क बनाया गया, वैली ऑफ फ्लावर को किस सन में नेशनल पार्क बनाया गया, सन बताओ भाई, वैली ऑफ फ्लावर को किस सन में नेशनल पार्क बनाया गया, वेरी गुड, 1985, 1985, और साइलेंट वैली को भी 1985 में बनाया गया, ठीक है। एक पौधे पर कॉम्पैक्ट घुंडी जैसी वृद्धि को क्या कहते हैं, फूल बोलते हैं, बड़ बोलते हैं, लीफ बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, क्या बोल रही पब्लिक, क्या बोल रही इसका आंसर, क्या बोल रही, वेरी गुड, बड़ बोलते, ठीक है, अपने राज खोलते और इसको बड़ बोलते, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मधुबनी पेंटिंग टू मेक दिस पेंटिंग इंडिगो टर्मरिक कलर फ्रॉम फ्लावर एंड ट्रीज एक्सेट्रा यूज, इन चित्रों को बनाने के लिए इंडिगो, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंग से, पेड़ों से रंग आदि का उपयोग किया जाता है। पेंटिंग शो ह्यूमन बींग्स, एनिमल, ट्री, फ्लावर, बर्ड, फिश, ठीक है, चित्रों में मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई देते। बहुत पुरानी आर्ट है और ये एक जगह के नाम पे पड़ी है जिसका नाम मधुबनी है, और मधुबनी आपका वेल नोन डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। तो इसमें एक गलत हो गया, तीन सही हो गए। गलत कौन सा है, डी ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो जिन जिन में डी होगा वो कट जाएंगे सारे, इसमें डी है ये कट गया, डी ए कट गया, डी ए कट गया, केवल सही हो जाएगा कौन सा, डी वाला, तो डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट थिंग इज, मधुबनी एक प्लेस है कहां पे, राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार। मधुबनी एक प्लेस है कहां पे, राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार। वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी, बिहार। चलिए नेक्स्ट थिंग इज, परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की परफ्यूम कैपिटल कौन सी है, मधुबनी, कन्नौज, पोचमपल्ली या आत्रेपुरम। भारत की इत्र राजधानी कौन सी है, भारत की इत्र राजधानी कौन सी है, मधुबनी, कन्नौज, पोचमपल्ली या आत्रेयपुरम, ठीक है। तो वेरी गुड, कन्नौज। नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, अ रिवर टेल, ठीक है, देखो रिवर टेल ये है, इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, ठीक है। जब आपकी बेसिकली नदी आती है, नदियां कहां से आती है, पहाड़ों से आती है, तो कोई बीच रास्ते में हक देता है, कोई मूत देता है, कोई भैंसिया धो देता है, ठीक है, कोई नहाते 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 बेसिकली क्या कर रहा होता है, ठीक है, तैर के दूसरी साइड निकल जाता है, और फिर वहां से चल जाता है, हम वहां पे टॉयलेट करके आए, ए ए मजा आ गया, मजा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं,
कोई अपना बेसिकली वेस्ट छोड़ दे रहा है, इंडस्ट्रीज अपना डिस्चार्ज छोड़ दे रही है, ठीक है, कोई ना हर कोई कुछ ना कुछ छोड़ दे रहा है पानी के अंदर। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, अपनी नदियों को गंदा कर रहे हैं। तो पानी गंदा हो गया, तो पानी गंदा हो गया तो गंदे पानी को आप साफ करने की क्या क्या विधि रहती है आपके पास, या तो फिटकरी मिला दो, उबाल लो, उबालने से क्या हो जाएंगे, कीड़े मर जाएंगे, फिटकरी मिलाने से उसकी क्या हो जाएगी, जो अशुद्धियां हैं, जो आपके डस्ट पार्टिकल्स वगैरह वो नीचे बैठ जाएंगे। लाल दवाई क्या करेगी, कीड़ों को भी मारेगी और बहुत सारी इंप्यूरिटीज को भी शुद्ध कर देगी। लाल दवाई को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं लाल दवाई को, जल्दी बताओ, लाल दवाई को क्या कहते हैं, इजी क्वेश्चन करा रहे हो, टफ कराएंगे आंखें बाहर आ जाएंगी, इजी क्वेश्चन, ये गजब लोग हो तुम, ठीक है। अभी चार क्वेश्चन अभी अपने वाले डाल देना, आत्मा सूख जाएगी बेटा, पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं कराए होंगे वो वाले क्वेश्चन। फिर कहोगे कि जे तो पढ़ाई नहीं है, जो तुम्हारे मतलब के वही तो कराएंगे कि कुछ भी पढ़ा दे, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन ले भैया, बता दे इजी क्वेश्चन वाली, अब ले तुम मजा ही ले ले। विच ऑफ दीस स्टेट इन नॉट इंडिया नॉट हैविंग सी कोस्ट, ये वाला कर लोगे, दूसरा वाला बताना। वेरी गुड, KMnO4 बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं लाल दवाई को। ठीक है, तो वेरी गुड, मध्य प्रदेश के पास कोई आपका सी कोस्ट नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन उसके लिए जो बोल रहे थे बहुत इजी क्वेश्चन करा रहे हो आप, आपको तो आती नहीं है कुछ, इतने इजी क्वेश्चन में ऐसे कर दू, ऐसे ले भैया, ओम फो बता दे, जे ले कर ले। व्हाट इज द मोस्ट पोल्यूटेड सी इन द वर्ल्ड, हाँ बताओ भाई, कौन सा समुंदर विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित है, आ जा मेरी लाली, कहाँ गई, एग्जैक्ट जो भी है भाई, यहाँ पे प्लीज फ्लडिंग मत करो, ठीक है। जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं देख के बता दूंगा, अभी मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा, इतने सारे कमेंट चल रहे। हाँ भैया कहाँ गई, अब नहीं बताए, अब तो सबके तुक्के चल रहे, ठीक है। चलो, द मोस्ट पॉल्यूटेड सी इन द वर्ल्ड इज बाल्टिक सी, बट अकॉर्डिंग टू द न्यू रिपोर्ट ऑफ WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइड सॉरी WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की नई रिपोर्ट बताती है कि बाल्टिक सी से भी ज्यादा पॉल्यूशन अब बढ़ गया है, किसमें, मेडिटेरेनियन सी में। मेडिटेरेनियन सी से पहले आपका बाल्टिक सी सबसे ज्यादा प्रदूषित हुआ करता था, ठीक है, बट आज के टाइम पे मेडिटेरेनियन नहीं, रेड सी नहीं है, मेडिटेरेनियन सी का 8 फरवरी 2022 को रिपोर्ट बनी है, नहीं रिपोर्ट के तुम्हें दिन भी बता दे हम, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी आपका सबसे ज्यादा हो गया है, ठीक है, सबसे सबसे पहले बाल्टिक सी सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड था, प्लास्टिक बहुत ज्यादा मिला दिया गया मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है, क्योंकि आपका बेसिकली कहाँ, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और अमेरिका सॉरी अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पास पड़ता है, वहां बहुत ज्यादा पॉल्यूशन मिला दिया इसके अंदर। नेम द मोस्ट पॉल्यूटेड ओशन इन द वर्ल्ड, बहुत ईजी है ये तो बता दोगे, ये तो बता दोगे, ये तो कोई भी बता देगा, मोस्ट पॉल्यूटेड ओशन इन द वर्ल्ड, ये है कहां, अमेरिका के पास, अमेरिका, भूमध्य सागर, वेरी गुड। चलिए, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ओशन पूछा गया, ठीक है, महासागर पूछा गया, महासागरों में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड आपका कौन सा है। अबे हो नालायको, महासागर और सागर में अंतर होता है, महासागर और सागर में अंतर होता है, महासागर ओशन, पांच ओशन है, पांच, भूमध्य सागर ओशन में कब से आ गया, ये देखो बुद्धिजीवियों, बहुत बढ़िया, सी सी, ये देखो सी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, तुम सबको नोबेल प्राइज मिला जाए, आंख के अंधो, ठीक है। तो मोस्ट पॉल्यूटेड ओशन इन द वर्ल्ड इज प्रशांत महासागर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज विच प्रोसेस इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ए सॉल्ट फ्रॉम सी वॉटर, समुद्री जल से नमक निकालने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन
आप ही तो बताए थे भूमध्य। सचिन सिंह, समझ गए तुम कौन हो। चलो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ठीक है, वेरी गुड। वाष्पीकरण के द्वारा आप क्या कर सकते हो, समुद्र का लवण निकाल सकते हो। इसमें से पानी का रंग क्या है, नीला, लाल, कलर कलर हील, बेरंग या फिर गहरा नीला। तो पानी का कलर कैसा पानी का रंग कैसा है, जल्दी बताओ। और ये गलत किया ना तो चीट चार दूंगा एक हाथ को। ये देखो, कौन हो तुम लोग, कौन सी दुनिया में रह, मंगल मंगल ग्रह के लोग हो क्या है? ये बहुत बढ़िया, शाबाश, नीले लगाने वालों तुम लोगों को ना, तुमको पानी का रंग दिखा है। रुको, पानी है इसमें। ओ भाई भाई, पानी दियो एक बोतल थोड़ा। रुको, तुम आज तुम लोगों को दियो भाई, नीले रंग का पानी है ये पानी नीला है, गरम पानी और दे दिया तूने, नीला गिरा था अभी पानी, बुद्धिजीवियों। ठीक है, तो पानी का क्या रंग होता है, कलरलेस। गाना सुन के तुम तो मचल गए, आज ब्रू है पानी 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 पानी, और भैंस ने नहीं खाई सानी 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 सानी, तो तुम्हारी भैंस ने सानी नहीं खाई तो पानी का रंग थोड़ी बदल जाएगा। खदड़ो। चलो, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ वाटर, ये भी गलत मत करना, हाथ जोड़ रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है। पानी का स्वाद कैसा रहता है, पानी का कोई स्वाद नहीं होता, बेस्वाद होता है। ठीक है, चलो बाकी के इसके आगे की कहानी अपन कल करेंगे, ठीक है, बसवा के खेत से स्टार्ट करेंगे। तो मिलेंगे कल, और भाई आप लोगों का बेसिकली, ठीक है, जो लोग बैस से जुड़ना चाहते हैं केवीएस संजीवनी से, ठीक है, पहले ही बता देता हूँ कहाँ गया, ठीक है, कि केवीएस संजीवनी बैच इज ऑलरेडी लॉन्च, ठीक है, जिसमें आपका जो बेसिकली आपका टीजीटीज है, ठीक है, इन सारे सब्जेक्ट, एसएसटी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, म्यूजिक और फिजिकल एजुकेशन अवेलेबल है 1999 में, पीआरटी स्पेशल 1499 में, ठीक है, केवल जनरल पर्पज 999 में। ये ऑफर आपको बेसिकली 60% ऑफ पे दिया जा रहा है। 4999 वाला आपको 1999 में मिल रहा है, 3479 वाला आपको 1499 में मिल रहा है, 999 वाला, ओ सॉरी 2499 वाला आपको 999 में मिल रहा है। तो 10 तारीख तक आपका ऑफर है। जो लोग पुराने स्टूडेंट है, ठीक है, एग्जामपुर के, वो अगर कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आपका पहुंच पा रहे, कॉलिंग टीम तक नहीं पहुंच पा रहे या फिर किसी तक नहीं पहुंच पा रहे, वो अपनी डिटेल्स मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दे, ठीक है, तो उनका नंबर पहुंचवा दिया जाएगा। बहुत सारे लोग कॉन्टेक्ट करना चाह रहे हैं बट कॉन्टेक्ट हो नहीं पा रहा, तो इस नंबर पे अपनी डिटेल्स को सेंड कर दे, 7042465414, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो जो पुराने स्टूडेंट है उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया जाएगा, ठीक है, जो भी आपका एग्जाम्पल ऐप से जुड़े हुए, ये केवल पुराने स्टूडेंट्स के लिए, नए स्टूडेंट प्लीज, आपका जो है सो है आपके सामने, ठीक है, बाकी मिलते हैं कल, टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू। बंद कर देना भाई।